जय माता। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल हारमोनी म्यूज़िक अतुल में। मैं अतुल जसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको बहुत ही एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ, स्वर ज्ञान संबंधित, या खुद से हारमोनियम में गाना कैसे निकाले उस संबंध में अपन आज बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी दोस्तों। खुद से गाना कैसे निकाले, बिगिनर्स के मन में सबसे ज़्यादा उठने वाला क्वेश्चन, खुद से गाना कैसे निकाले या स्वर ज्ञान क्या होगा, मुझे स्वर ज्ञान के लिए क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ और उसी की अपनी सीरीज चल रही है, उसका आज सेकेंड वीडियो है। आपने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसे ज़रूर वॉच कीजिए, और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके ज़रूर फॉलो करिए। आपको वहाँ पर नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी जो यूट्यूब में नहीं मिलती है, इंस्टाग्राम में मिलेगी दोस्तों। और आपने अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, यदि आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से आपको जानकारी अच्छी मिल रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो सीधे आज वीडियो में आएंगे, मैं आपको स्वर ज्ञान से संबंधित या खुद से गाना हारमोनियम कैसे निकाले वो स्वर ज्ञान के बाद की प्रक्रिया है। हारमोनियम गाना खुद से पहले कब निकलेगा वो स्वर ज्ञान की बात की प्रक्रिया है। देखिए, खुद से गाना निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बता दिया हूँ कि आप खुद से ट्राई कीजिए। आप यूट्यूब में विदाउट नोटेशन देखिए, मन सप्तक में अपने स्किल से मन सप्तक में ट्राई कीजिए। आपको इधर इधर वाली बटन आपकी पूरी गायब कर दी हूँ मैंने, इधर वाली बटन पूरी गायब कर दी हूँ। आपको कहाँ रियाज करना है, गाना कहाँ से ढूंढना है, सिर्फ इन 12 स्वरों से। मन सप्तक में जो 12 स्वर थे आपको इन 12 स्वरों में से गाना ट्राई करना है। अब आपके लिए बहुत ईजी कर दी हूँ मैंने, आप अपने स्केल ढूंढ के खुद से गाना ट्राई करने को, सबसे पहले आपको खुद से गाना ट्राई करना है दोस्तों, विदाउट किसी के वीडियो देखे। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब से आपसे ज़िंदगी में कभी हारमोनियम बजाते खुद से नहीं आएगा दोस्तों, और स्वर ज्ञान के तो बात बहुत दूर है। तो आपको वो रियाज बता रहा हूँ मैं, आपको रियाज क्या करना है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कैसे आपको रियाज करना है, आप उसको जाके देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या अपने रियाज में शामिल करना है जिससे आपको स्वर ज्ञान बहुत जल्दी हो सके। और पहले बता दे रहा हूँ मैं, स्वर ज्ञान होना इतना आसान नहीं है दोस्तों, उसके लिए काफ़ी रियाज लगता है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग सुनिए जो भी आपको पसंद आते हैं भजन, और आप यदि आप किसी मंडल में बैठते हैं, आपको कोई ग्रुप होगा संगीत वाला, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अटेंड कीजिए। और जिसमें भी आप रुचि है आपकी, ढोलक में हुए या हारमोनियम में हुए, वादन में हुए, जहाँ भी रुचि है, आप उसको ज़रूर लेके साथ में जाइए या साथ में उनके साइड में ज़रूर बैठिए। आपको वहाँ से काफ़ी आपके नॉलेज मिलेगा, आपके कान में स्वर पक्के होंगे दोस्तों। तो सीधे रियाज में आते हैं, आपको बताऊँगा मैं अपना स्केल से आपको रियाज करना है। सा का रियाज सबसे ज़्यादा करना है दोस्तों, बार बार बताता हूँ। यदि आपके पास 1 घंटे का समय है तो आप सा के रियाज को कम से कम 20 मिनट दीजिए, सिर्फ सा को। देखो, एक स्वर साध लेंगे तो सभी स्वर साध जाएंगे दोस्तों, ऐसा गुरुजनों का कहना है। और जितना मुझसे आता है, जो जो रास्ते में मैं चल के सीखा हूँ हारमोनियम बजाना, तो उस रास्ते का मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैं किन किन प्रक्रिया से गुजरा हूँ, तो आपको वही आपके सामने लेके आया हूँ। स्वर ज्ञान क्या होगा उसके लिए सेकंड रियाज बताया हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं आपको। पहले तो आपको सा का रियाज करना है कि एक साथ देंगे तो सभी सज जाएंगे। उसके बाद में रियाज करना है नाक से साथ भरे, सा मुंह को दोस्तों ऐसा रखना नहीं, मुंह को कम से कम इतना खोलना है अपना, बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलना है। आपको एक बात और बता दूँ मैं कि अलंकार सीखने से पहले भी बहुत सारे रियाज होते हैं दोस्तों, जैसे ओम का रियाज होता है। यदि आप इसे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताऊंगा, काफ़ी रियाज होता है अलंकार सीखने से पहले। तो पहले आपको बता दूं मैं, उस वीडियो में अपन चर्चा नहीं कर पाएंगे, अपन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सीधे इस वीडियो में आते हैं, स्वर ज्ञान कैसा होगा उसके लिए बहुत यूनिक सा रियाज है। पहले आपको सांस भरना है, साकर रियाज करना है, सा सांस भरना है, सा को लेना है, सा के बाद में आधी सांस में आपको रे लेना है, फिर सा में रिटर्न जाना है, फिर ऐसे ही गा से फिर सा में रिटर्न जाना है। कैसा, सा गा सा, फिर सा मा सा, सा पा सा।
इस टाइप का आपको रियाज करना है। सा के बाद में यदि आपकी रेंज दोस्तों रे तक जाए तो रे और गा तक जरूर जाइए, तार सप्तक, और आप अपने स्किल से रियाज कीजिए। और उसके बाद में मन सप्तक में भी से जाना है, सा बिलावल थाट में करना है, सभी स्वर शुद्ध में रियाज करना है। आपको यदि बटन समझ में नहीं आया होगी कैसा है, सा रे गामा पा धा नी सा, आपको कोमल और तीव्र स्वर में भी बिल्कुल रियाज नहीं करना है। यदि आप बिगनर हो, यदि आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हो आप मुझे, तो आपको बता दूं पहले आप बिलावल थाट में जो कि सा रे गामा पा धा नी सिंपल स्वर होते हैं, सभी स्वर शुद्ध होते हैं, तो आपको उसमें रियाज करना है। अभी आप तीव्र में और मंत्र में आप मत जाइए, मैं उसको बताऊँगा कब आपको कैसा रियाज करना है उसका। तो आप इस वीडियो में शायद आपको समझ में आ गया होगा आपको रियाज क्या करना है दोस्तों। और इसके पहले जो वीडियो बनाया था पूरे रियाज को आप जरूर जो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको आप अपने रियाज में जरूर शामिल करिए। 100% आपसे सॉन्ग निकलेगा, 100% निकलेगा, 200% निकलेगा, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। आपके सुर तो पक्के हुए, आपको कान तो पक्के हुए, आपको सुर को नॉलेज तो आए, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों कि कहाँ से कौन सा गाना निकलेगा। और जो भी सॉन्ग सीखना चाहते हैं दोस्तों उसको आप 20 मिनट 25 मिनट आप खुद से निकालने की कोशिश करिए अपने मंद सप्तक में। आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।